नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरों विस्तार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी के मदरसे लैब एप प्ले स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्राओं ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश कुमार राठौर, मुख्य अतिथि रिटायर्ड अध्यापक मांगीलाल राठौर ने की। कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल संगीता राठौर, कविता मोदी, आराधना कुमावत, प्रेमलता राठौर समस्त स्टाफ मौजूद रहा। विद्यार्थियों व अभिभाषक गण ने गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेठ आनंदलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में दिनांक 27, 29 व 30 जनवरी को विद्यार्थियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया जाएगा। शिविर में सभी विद्यार्थियों के BP, शुगर, HP, टेस्ट, दांत, आँख, मानसिक स्वास्थ्य आदि जांच निःशुल्क की जाएगी। शिविर में विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के साथ ही अंगदान, देहदान आदि के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्रों की जागरूकता रैली नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी। 3 दिवसीय शिविर में विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग जाँच, चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। PM श्री योजना प्रभारी राजेंद्र गुमा ने बताया कि स्वास्थ्य कैंप सह शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वास्थ्य शैक्षिक वातावरण तैयार करने, विद्यार्थियों को मजबूत करने व प्राथमिक उपचार के संबंध में मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत करने और प्राथमिक उपचार के संबंध में जानकारी प्रदान करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ HM वशिष्ठ, अध्यक्ष राजस्थान टेक्सटाइल मिल, सुनील शर्मा, कृष्ण कुमार राठी, संयोजक भवानी मंडी वेलफेयर ट्रस्ट, दामोदर शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेश मालवीय प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। लालचंद आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में 75वें गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी ने बताया कि कार्यक्रम में भैयाओं द्वारा गोश्त के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण कर कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया गया। मुख्य अतिथि गुरुबोध सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष संतरा मंडी, अध्यक्षता पीयूष जैन, सोशल ग्रुप के अध्यक्ष व विशिष्ट अतिथि हरगोपाल माहेश्वरी, उपाध्यक्ष विद्या भारती कमल कुमार सूर्य का विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष रहे। आए हुए अतिथियों को प्रधानाचार्य राम स्वरूप सोनी द्वारा परिचय दिया गया। आचार्यों द्वारा अतिथियों को मंगल तिलक कर तथा सम्मान पत्र वितरित कर उनका प्रकाश गुप्ता, उमाशंकर गुप्ता, राम गोपाल मेहर, कृष्ण गोपाल गुप्ता द्वारा सम्मान किया गया। बहनों द्वारा शारीरिक योग, सूर्य नमस्कार, सांस्कृतिक देशभक्त व नृत्य, कविता, संस्कृत गीत, हिंदी भाषण, अंग्रेजी भाषण आदि की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। सामाजिक समसत्ता के लिए आज ग्राम गुराड़िया भत्ता में ग्रामीणों के साथ देव महाराज के मंदिर में मीटिंग रखी गई। मीटिंग में SDM, DYSP व SHO भवानी मंडी ने समझाइश की। ग्रामीणों की तरफ से नारायण सिंह, मोहनलाल आदि ने विचार रखे। पिड़ावा क्षेत्र के मायखेड़ी गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त अध्यापक देवेंद्र शर्मा का स्थानांतरण होने पर ग्रामवासियों ने उनका भव्य स्वागत व विदाई समारोह मनाया। राकेश दांगी ने बताया कि गांव के विद्यालय में 12 साल तक अपनी उत्कृष्ट सेवा देने के बाद अध्यापक देवेंद्र शर्मा का व्याख्याता के पद पर पदोन्नत कर उन्हें दाता विद्यालय में स्थानांतरित किया गया, जिस पर विद्यालय के छात्रों ने, ग्रामीणों ने उनका सम्मान कर गांव में जुलूस निकाल कर विदाई दी। इस दौरान रामेश्वर डांगी, राकेश डांगी, अर्जुन ठाकुर, संजय डांगी, गिरिराज, सत्यनारायण, दिनेश, बालचंद, राधेश्याम मेघवाल सहित ग्रामवासियों ने अध्यापक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। रायपुर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत असेंबली खाम में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्राम पंचायत में सरपंच गिरिराज शर्मा ने ध्वजारोहण कर सलामी दी। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में सरपंच गिरिराज शर्मा मुख्य अतिथि रहे। यहाँ प्रिंसिपल राम गोपाल रावत ने ध्वजारोहण किया। यहाँ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी। वहीं कनिष्ठ लिपिक शिवम पाटीदार ने संबोधित कर विद्यालय में विकास कार्यों पर चर्चा की। कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी घनश्याम पालीवाल, जनपद ओम प्रकाश पाटीदार, सहकारी समिति अध्यक्ष बालचंद सिंह व सहित वार्ड पंच, विद्यालय स्टाफ, ग्रामीण बच्चे मौजूद रहे। रायपुर कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संयुक्त रूप से गणतंत्र दिवस समारोह वार्षिक उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। साथ ही 12वीं कक्षा की छात्राओं को विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्राओं ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य केलाचंद डांगी, उपाचार्य रेखा रानी शर्मा ने की। मंच संचालन आत्माराम गुजर ने किया। शाला परिवार की ओर से कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी प्रतिभागी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित कर सहभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्टाफ सदस्य व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रायपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बानोर में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत में सरपंच गुड्डी बाई ने ध्वजारोहण किया।
वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में सरपंच गुड्डीबाई मुख्य अतिथि रही। यहाँ प्रिंसिपल कमलेश मेघवाल ने ध्वजारोहण किया। यहाँ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने आकर्षक पुस्तकें दी। ग्राम पंचायत विद्यालय के औसत बालकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी गायत्री मीणा, सरपंच प्रतिनिधि बाला पटेल, उप सरपंच रामेश्वर डांगी, वार्ड पंच प्रभुलाल डांगी, लिपिक सुरेश डांगी सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। पिड़ावा क्षेत्र के सेमली चौहान में चल रही टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सेमली चौहान पिड़ावा की टीमों के मध्य खेला गया, जिसमें पिड़ावा की टीम विजेता रही। इस अवसर पर आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि सरपंच पूर्व सरपंच सुल्तान सिंह की ओर से विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये दिए गए। वहीं उप विजेता टीम को शंकर सिंह की ओर से द्वितीय पुरस्कार सौंपा गया। पिड़ावा क्षेत्र के कोटड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष नीलकमल त्रिवेदी, उपाध्यक्ष दिनेश राठौर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर व्यवस्थापक महेश शर्मा सहित सहकारी मेंबर ग्रामवासी मौजूद रहे। पिड़ावा शहर के हनुमान धर्मशाला में स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में भी 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुल्ले बालकों ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी। नन्हे बालक ऋतिक भावसार टीम ने नन्ना मुन्ना राही और देश का सिपाही गीत पर शानदार प्रस्तुतियाँ दी। गंगधार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व विद्यार्थियों, भामाशाहों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता डूंगर सिंह परमार, गौतम जैन, राजेश नीमा, अरविंद अग्रवाल, संजय राठौर, दिलीप मौरी सहित भामाशाह द्वारकादास सारा को सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर व प्रमाण पत्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं ने नृत्य के कार्यक्रम पेश किए गए और अयोध्या राम मंदिर के अवसर पर राम आएंगे गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। उनेल कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सरकारी गैर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कुमटिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच केसर सिंह परिहार ने भी ध्वज फहराया। उनेल में मुख्य कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में हुआ, जहां कार्यक्रम को मुख्य अतिथि ने ध्वज फहराया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूल के छात्र छात्राओं ने परेड का आयोजन किया। स्कूल के प्रधानाचार्य जुगल केसर स्वामी ने सभी भामाशाहों का सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश पवार ने किया। इस अवसर पर स्कूल के व्याख्याता पप्पू लाल, टिकमचंद, शिक्षक गंगाराम काटिया, शंभु दयाल शर्मा आदि मौजूद रहे। झालावाड़ गणतंत्र दिवस के अवसर पर चिकित्सा विभाग द्वारा एम्बुलेंस को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यक्रम में झांकी प्रदर्शन किया गया था। झांकी अंगदान है जीवन दान और आयुष्मान आरोग्य मंदिर थीम पर आधारित थी, जिन्हें ग्राउंड में उपस्थित अतिथियों आमजन द्वारा सबसे अधिक सराहना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनकी टीम को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर स्मृति चिन्ह प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चिकित्सा विभाग द्वारा झालावाड़ द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर बनाई गई जाने वाली झांकी का प्रदर्शन किया गया। क्षेत्र के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडीपुर में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार स्थानीय विद्यालय में छात्रों को परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कार्यवाहक प्रधानाचार्य जीवन राम बरोड़ ने हरी झंडी दिखाकर स्वास्थ्य जागरूकता रैली के साथ किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं बाद में स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आगर मालवा जिले के सोयतकला नगर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद किड्स कॉन्वेंट स्कूल द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया। शिक्षक निखिल भावसार ने बताया कि रैली का मार्ग में जिसका जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। रैली में चंद्रयान, अमर जवान श्रद्धांजलि व महापुरुषों की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं बच्चे हाथों में राष्ट्र ध्वज लहराता हुए चल रहे थे। रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः स्कूल परिसर पहुंचकर संपन्न। गरोड़ उज्जैन जिले के माकड़ोन की घटना को लेकर गरोड़ पाटीदार समाज में विरोध दर्ज कराते हुए गरोड़ नायब तहसीलदार किरण गहलोत को ज्ञापन सौंपा। उज्जैन जिले के माकड़ोन में असामाजिक तत्वों द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को तोड़े जाने को लेकर मंदसौर जिले के गरोड़ सेक्टर के पाटीदार अन्य समाज के लोगों ने विरोध
व्याप्त है। इसी को लेकर शनिवार दोपहर 2 बजे पाटीदार समाज के जिला अध्यक्ष अरुण मनीष पाटीदार, तहसील अध्यक्ष संजय पाटीदार, युवा अध्यक्ष शुभम पाटीदार, कमलेश पाटीदार, मीडिया प्रभारी अशोक पाटीदार आदि और अन्य संगठन के लोग सम्मिलित होकर नारेबाजी करते हुए घरों तहसील प्रांगण में पहुंचे, जहां नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मंदसौर शहर के पेयजल स्रोत रामगढ़ बैराज में गंदा पानी मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और बताया कि बदबूदार व मठ मिले पानी की वजह से आम जन जीवन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय रहवासियों ने मीडिया के समक्ष आकर बताया कि शहर के प्रमुख पेयजल स्रोतों में रामघाट बैराज में इन दिनों दूसरी साइड में रात के समय गंदा पानी डाला जा रहा है और यही पानी शहरवासियों को पिलाया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में गंभीर बीमारियों का खतरा रहेगा, लोगों की जान बन जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं रहवासियों ने यह भी बताया कि यहाँ अवैध मत्स्य खेड भी हो रहा है। मंदसौर शहर के राजीव कॉलोनी संजीत नाका क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुई गैस की टंकी विस्फोट की घटना के बाद शनिवार को मौके पर FSL की टीम और वाईडी नगर थाना पुलिस टीम जांच करने पहुंची। जांच हेतु आवश्यक जब्ती की गई। बता दें कि शुक्रवार सुबह शहर के संजीत नाका क्षेत्र स्थित राजीव कॉलोनी में एक मकान में LPG गैस सिलेंडर से ब्लास्ट हो गए थे। हादसे में महिला की मौत हो गई थी, वहीं महिला का पति गंभीर रूप से घायल हुआ था। फिलहाल घायल पति का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इधर आज शनिवार सुबह मंदसौर के वाईडी नगर थाना पुलिस और रतलाम से FSL की टीम मौके पर जांच करने पहुंची। यही नहीं, आज ही मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीप देवड़ा ही पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गाँव के हित में नहीं है। गाँव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस हमारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मैसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। दस टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र।
एक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है चार तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। टाइप पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? नहीं नहीं। मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।